दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। ओम श्रीश्चते लक्ष्मी च पत्न्यं बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं स्नोभ्यातम् कृष्णन्निखाणा मुम्मेकाणा सर्वलोकं मेहिकाणः। To my friend Prime Minister Modi and the people of India, Namaste। आखिर इजरायली भारत से इतना प्रेम क्यों करते हैं? कारण क्या है इस चीज का? कुछ लोग कहते हैं कि इजरायली और भारतीयों के बीच में जो रिश्ता है वह काफी अच्छा है, इसलिए इजरायली भारत आते हैं। वहीं उन लोगों की भी कमी नहीं है जो यह कहते हैं कि जो इजरायली लोग हैं वो प्राचीन काल में भारतीय ही थे। जी हाँ, वही यादवों वाली थ्योरी। कुछ लोग यह कहते हैं, बाकायदा रिसर्च और प्रमाण देते हैं, डेट्स देते हैं कि ऐसे ऐसे घटनाक्रम हुआ और यहूदी यादव ही हैं। हालांकि इससे जुड़े कुछ प्रमाण भी हमें मिलते हैं। इन सब के बीच में अगर मैं आपसे कहूं कि आज के समय में जब ईरान और इजराइल के बीच में यह युद्ध चल रहा है, इसके बीच में भी इजरायली लोग भारत आ रहे हैं और यहूदी होते हुए भी वो हिंदू रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं। दोस्तों, अब तो नवरात्रि चल रही है, लेकिन अभी जब नवरात्रि से पहले जो कि पितृ पक्षों के दिन थे, उन दिनों में तमाम यहूदी हजारों की संख्या में भारत आए और यहूदी होते हुए भी उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से कुछ किया, और वह जो कुछ भी किया उसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो क्या किया आखिर यहूदियों ने, चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यहूदी धर्म और सनातन धर्म में बहुत सी समानताएं हैं, फिर चाहे वह राजा मनु हो, भगवान श्री कृष्ण हो, इनसे जुड़ी हुई सारी घटनाएं हमें यहूदियों में सेम टू सेम देखने को मिलती हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात वो ये कि इजराइल के यहूदी या पूरी दुनिया के यहूदी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते या उनके में मना है। लेकिन इसके बावजूद पिछले साल 7 अक्टूबर को जो इसराइल में नरसंहार हुआ, उसके बाद भी इजरायली भारत आए थे, और इस बार भी एक वर्ष के बाद 7 अक्टूबर को ही हजारों इजरायली भारत आए, और इस दिन इसराइल पर किए गए आतंकी हमले में मारे गए इसराइलियों की आत्मा की शांति के लिए उनके परिजनों ने पुष्कर सरोवर का पूजन किया, तर्पण किया और प्रार्थना की। इस मौके पर विदेशी पर्यटकों की ओर से सरोवर की महाआरती का भी आयोजन किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह यहूदी पूरी तरह से सनातन धर्म के रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं ताकि उनके पितरों को मोक्ष मिल सके, शांति मिल सके। और ये ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि इन दिनों हजारों की संख्या में यहूदी भारत आते हैं। ये बात आपको ये बताती है कि किस तरह यहूदी सनातन धर्म में और सनातन धर्म की महानता में कितना विश्वास रखते हैं। दोस्तों, 7 अक्टूबर को इसराइल में क्या हुआ था ये बताने की आवश्यकता नहीं है, और जो लोग भी इसराइल में मारे गए उनकी आत्मा की शांति के लिए हजारों लोग भारत आए और सनातन धर्म के बारे में भी कई बातें कही। इन्हीं में से 23 सदस्यीय इजरायली यहूदियों का दल बीते शनिवार को पुष्कर सरोवर के ग्वालियर घाट पर पहुंचता है, और वहां पंडित कौशल मुखिया तथा गोविंद पराशर जी के सानिध्य में पुष्कर सरोवर का पूजन, सरोवर का पवित्र जल, जौ, चावल, पुष्प, कुशा आदि सामग्री को अपने हाथों में लेकर इन सब ने तर्पण किया, और इस दौरान ये सभी यहूदी संस्कृत के श्लोकों का पाठ कर रहे थे। स्वस्ति नस्तारिक्षोरिष्टनेमि स्वस्तिनां बृहस्पतिर्दधातुः ॐ श्रीश्चते लक्ष्मी च पत्न्यं बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं स्नोभ्यातम् कृष्णन्निखाणा मुम्मेकाणा सर्वलोकं मेहिकाणः। पुरोहित कौशल मुखिया ने सभी को अंग्रेजी भाषा में हिंदू संस्कृति से परिचय कराते हुए पूजन कराया। तर्पण कर्म करने के बाद ये सारे पर्यटक बद्री घाट पहुँचते हैं और वहाँ पर महाआरती में भाग लेते हैं, और वहीं पर इनके खुशहाली की कामना की जाती है। ये बाकायदा सरोवर की महाआरती करते हैं। ध्यान रहे कि पुष्कर वही जगह है जहां से इजरायलियों का एक गहरा नाता है। यहां आने वाले इस मान्यता के यहूदियों की संख्या में कोई कमी नहीं देखी जाती, जो यह मानते हैं कि भगवान ब्रह्मा और कोई नहीं बल्कि उनके अब्राहम ही है। वो मानते हैं कि ब्रह्मा जी का वह सर जो वेदों के विमुख था वो कटकर यहीं गिरा था, और वही वह मुख था जिसकी वजह से
यहूदियों में वो नियम निकले जिनका पालन आज भी यहूदी करते हैं। यह बात सुनने में आपको थोड़ी आश्चर्यजनक लग सकती है, लेकिन यह बात आप अगर कभी पुष्कर जाते हैं तो वहाँ मौजूद यहूदियों से पूछ कर देखिएगा कि आखिर वह यहाँ क्यों आते हैं। दोस्तों, इन्हीं 23 सदस्यीय यहूदियों में इजरायली पर्यटक डानी एवं मरिता ने बताया कि पिछले साल हमास द्वारा किए गए आतंकी हमले में उनके 26 वर्षीय पुत्र एलन की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा की शांति के लिए वे पुष्कर सरोवर की पूजा व तर्पण करने आए। घटना की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि उनका पुत्र एलोन अकेले पार्टी करने गया था जो कभी वापस नहीं आया। इसके अलावा इन सभी ने अपने मित्रों और परिचितों की आत्मा की शांति के लिए कामना की और वहीं सभी पर्यटक तर्पण करते समय काफी इमोशनल भी नजर आए। साथ ही इन्होंने पूरे देश के लिए कामना की। पुष्कर में एक जगह है जिसका नाम बेद खबाद है। यहीं पर बेद खबाद हाउस के मैनेजर हनुमान प्रसाद हैं और अगले दिन यहां पर शहीद दिवस कार्यक्रम भी था जो कि इजराइल में शहीद हुए जवानों की श्रद्धांजलि के लिए था। और यहां ईसाइयों के धर्म गुरु सिम्पसन गोल्डस्टीन आते हैं और एक मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हैं और वह सभी जवानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सनातन धर्म और इजराइल के इस यहूदी धर्म में कितनी ज्यादा समानता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।